हेलो एंड वेलकम माय ऑडियो फैमिली। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ गिट की कुछ बेसिक कमांड्स। हालांकि ये बेसिक मैंने बोला है, बट ये एक्चुअल में काफ़ी फ्रीक्वेंट में यूजेस में आती हैं और ये हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेंगी पड़ेंगी, इनके बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा और उसी रिपोजिटरी को मैं क्लोन करूँगा। क्लोन का मतलब क्या है, मैं बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँगा कि मतलब कि उसकी एक कॉपी को मैं डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन पे लेकर के आऊँगा, राइट। उसके बाद उस कॉपी के अंदर कुछ नए चेंजेस करूँगा और उन नए चेंजेस के साथ अगेन उसी को मैं वापस से पुश करूँगा, मतलब उस कोड को नए कोड के साथ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वापस से गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूँगा, राइट। और वो कैसे पॉसिबल होगा गाइस, इन कमांड्स की मदद से, जो कि वन बाई वन करके हम लोग समझेंगे। हालांकि ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जैसे जैसे आगे वीडियो में बढ़ेंगे हमको ये बातें क्लियर होती जाएंगी, राइट। क्लोन, ये सब कुछ कभी कभी दिक्कत होती है राइट बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहले गाइस क्या करते हैं, हमें अपना लॉगिन करना होगा गिटहब अकाउंट पे। आपका गिटहब अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लेना गाइस। साइनअप करके जो भी क्रेडेंशियल मिलेगा उसके थ्रू आपने github.com पे लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पास गिटहब अकाउंट होगा। तो सबसे पहले प्लस आइकॉन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, मतलब पहला स्टेप। यहाँ पे लेट्स से कि टेम इसको पब्लिक रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देंगे, और रीडमी फाइल मतलब कि एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेलिंग होती है इसके अंदर हम लोग मैंशन करते हैं। तो बस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक रीडमी फाइल है और कुछ भी नहीं गाइस, काफ़ी कुछ भी नहीं है, राइट, नथिंग। ओके, तो अभी क्या करता हूँ मैं, ये पहला तो पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप है क्लोन करेंगे। क्लोन मतलब लोकल मशीन पे लेकर के आएंगे। कहाँ पे आपको लेकर के आना, लेट से कि मैं इस ड्राइव के अंदर लेकर के आना चाहिए, ड्राइव के अंदर और Node.js फोल्डर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CMD को ओपन करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले आपके सिस्टम पे गिट बैश इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। अगर नहीं है गिट तो इसको पहले इंस्टॉल कर लो। इसके लिए आपको करना क्या गाइस, गूगल करना है और गिट इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको गिट इंस्टॉल, और यहाँ पे इस वाले URL के अंदर आओगे। जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, मैक, लिनक्स, विंडोज़ या फिर किसी दूसरी ही दुनिया से आए हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने गिट को डाउनलोड करना है, उसकी exe को, राइट। लेट्स से 32-bit या फिर 64-bit, जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं कैंसिल आउट करूँगा, तो इस exe पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो भी पॉपअप ओपन होगा उस पर नेक्स्ट 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 करते जाना, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ, और एट द एंड फिनिश कर देना। आपका सिंपली आपका गेट इंस्टॉल हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी चेंजेस मत करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सेल्फ से कर लेंगे, राइट। तो ये मैं स्किप करूँगा, करके नहीं दिखाऊंगा। इतना करने के बाद जो भी आपने रिपोजिटरी क्रिएट किया था गिटहब पे, इस रिपोजिटरी को चलिए क्लोन करते हैं, मतलब सेकेंड स्टेप को चलिए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम लोग, यहाँ पे थे, राइट। कैसे आए थे अगेन दिखा देता हूँ, यहाँ पे थे जैसे कि CMD ओपन किया और यहाँ पे गेट क्लोन कमांड का यूज़ किया, और यहाँ पे URL पेस्ट करेंगे। कहाँ से लाएंगे URL, ये वाले प्रोजेक्ट का HTTPS, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट हिट करेंगे और ये क्लोनिंग स्टार्ट होगी 100%, मतलब डन कंप्लीट। इसको क्लोज करेंगे, वापस से आएंगे गाइस, यहाँ पे देख सकते हो टेम्प ऐप करके नया फोल्डर क्रिएट हो चुका, जो कि पहले नहीं था। अभी इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, रेडमी फाइल है। चलिए इसको VS कोड के अंदर ओपन करते हैं, कोड तो रेडमी फाइल है और कुछ भी है नहीं गाइस इसके अंदर, राइट। अब गाइस यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या डू सम वर्क, मतलब कुछ नए चेंजेस करेंगे, उसके बाद देन इसको अगेन वापस से इसी रिमोट रिपोजिटरी मतलब कि सर्वर पे, मतलब इसी इंटरनेट मतलब सर्वर ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब गिटहब रिपोजिटरी पे वापस से पुश करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन, जहाँ पे हर जगह एक्सेसिबल रहेगा, राइट। कहीं किसी भी जगह पे आप इंटरनेट की मदद से इसको आप पा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे जो भी नए चेंजेस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इन कमांड्स की मदद से। सबसे पहले गिट स्टेटस कमांड को समझते हैं। गिट स्टेटस एक्चुअली क्या बताता है कि आपकी एप्लीकेशन जो भी आपने क्लोन किया है, ठीक है, सर्वर से, ठीक है, गिटहब रिपोजिटरी को आपने लोकल मशीन पे क्लोन किया है,
तो गिट स्टेटस के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमने वाकई में कोई चेंजेस किए नहीं किए। तो गिट स्टेटस हमें वही डिटेलिंग प्रोवाइड करता है, डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि आपने चेंजेस किए हैं तो किस फाइल्स के अंदर किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो फिर उसी हिसाब से स्टेटस दिखाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, और कुछ भी ऐसा फाइंड आउट नहीं हुआ कि भाई साहब आपने कोई चेंजेस किए हैं। लेकिन लेट्स से कि नया फाइल मैं ऐड करता हूँ org.js, ठीक है, इमेजिन दैट, और इसके अंदर मैं console.log एक मैसेज दे देता हूँ, लेट्स से वेलकम टू माई ऑर्गेनाइजेशन समथिंग, कंट्रोल इज अगेन गाइज। अगर मैं इसको गेट स्टेटस कमांड को यूज़ करूँ तो गाइज इस बार देख सकते हो अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब जो फाइल अनट्रैक्ड हुई है वो ये है org.js। मतलब ये क्या बोल रहा है, बता रहा नथिंग ऐड टू कमिट, कमिट के लिए अभी कुछ कमिट तो नहीं है, अभी ऐड कुछ नहीं किया गया, मतलब नथिंग एडेड टू कमिट, कमिट के लिए अभी कोई भी फाइल अभी रेडी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बट बता रहा अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, मतलब कि एक अनट्रैक्ड फाइल है जिसके अंदर आपने चेंजेस किए हैं, एक नई फाइल ऐड की गई है, ठीक है। अभी इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, इस वाले मैसेज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अनट्रैक्ड फाइल तो मिल गई है उसको भाई साहब, लेकिन नथिंग टू ऐड टू कमिट, कमिट के लिए कोई फाइल नहीं है, मतलब कमिट के लिए कुछ उसको कुछ नहीं मिला है। तो ये भाई साहब मैंने नया ऐड किया है और उसमें बेसिक से लाइन ऑफ कोड किया है, ठीक है। अभी इसको क्या करता हूँ, गिट ऐड कमांड यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखा सकता हूँ गिट ऐड, ये क्या करेगा स्टेजिंग एरिया में लेकर के जाएगा, ठीक है। स्टेजिंग एरिया का मतलब समझ लो वो जो भी आपने चेंजेस किए उसको प्रिपेयर्ड कर देगा अपलोड करने के लिए, सर्वर पे ले जाने के लिए। तो स्टेजिंग एरिया आप इस तरह से समझिए अभी के लिए, अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, जस्ट मिनट। तो गिट ऐड और जो भी फाइल थी विथ कंप्लीट पाथ, लेट से हो सकता है कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से। लेकिन वो कैसे पता चलेगा गाइस, यहाँ पे जो भी हो उसको एग्जैक्टली आप कॉपी कर लीजिए ना, ठीक है, कॉपी कंट्रोल और गिट ऐड। और नाउ गाइस अगेन अगर मैं गिट स्टेटस देखता हूँ तो इस बार देखो क्या बोल रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड। अगली बार गाइस यहाँ पे ये मैसेज आया था कि नथिंग टू ऐड कमिट, मतलब ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कमिट करने के लिए, बट एक फाइल ट्रैक्ड हुई थी। लेकिन इस बार अनट्रैक्ड फाइल्स कोई नहीं है, और जो भी ट्रैक्ड फाइल्स होती है वो रेड कलर की जनरेट करता है, रेड कलर से ब्लिंक कर होती है कि भाई हाँ ये फाइल है आपने जो चेंजेस किए, न्यू चेंजेस किए, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट कर दी स्टेजिंग एरिया में, तो अब मतलब यहाँ पे ये वाला मैसेज दिखा रहा नथिंग ऐड टू कमिट जो कि पहले दिखा रहा था, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब ये कमिट करने के लिए ये पर्टिकुलर फाइल अभी रेडी है, इसको कमिट कर सकते हो। कमिट का मतलब क्या है, इसको लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में लेवल पे आप इसको ऐड कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि हमें ये वाली फाइल जो चेंज किया है इसको हमें रिमोट सर्वर पे लेकर के जाना है, यहाँ पे अपलोड करना है, तो वो कैसे होगा, गेट कमिट हाइफन एम, ये थर्ड वाली कमांड मैं बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, गिट कमिट, और जो भी कमेंट देना है एडेड org.js फाइल, जो कि मैंने कमेंट दे दिया कि नहीं एक एडेड ऐड कर रहा हूँ फाइल जिसका नाम है org.js, गिट कमिट। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ तो कोई भी यहाँ पे बता रहा नथिंग टू कमिट, अभी कमिट के लिए कुछ भी नहीं है और वर्किंग ट्री क्लीन है, तो इस बार ना ही कोई भी अनट्रैक्ड फाइल से, ना ही कोई कमिट करने के लिए है, क्योंकि मैंने जो है उसको स्टेजिंग एरिया में डाल के उसको कमिट भी कर दिया। तो ये वाली कमांड क्या करता है, लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐड करती है, और ये कमांड जो है स्टेजिंग एरिया में लेकर के जाती, मतलब वो प्रिपेयर करती जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करती है, राइट, ओके। तो अब गाइस आई होप कि मतलब कि यहाँ पे आ जाना चाहिए गिट कमिट का मतलब, अब तो सर्वर पे आ जाने चाहिए, यहाँ पे भी org.js देखी, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस किया यहाँ पे नहीं है गाइस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि गिट कमिट के थ्रू डायरेक्टली सर्वर पे नहीं जाता है,
सर्वर पे अपलोड नहीं होती फाइल, वो पहले लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में लेकर के जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हो, लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐड करता है। ऐसा क्यों करता है? लेट्स से गाइस कि अगर मैं यहाँ पे CLS करता हूँ और गिट लॉग दिखाता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा जो भी फाइल्स हैं, यहाँ पे दिखाएगा कि कमिट कौन सा हुआ है, उसका कमेंट दिखाएगा, कमेंट हुआ है edit.org.js और इसकी कमिट क्या हुआ, कमिट की आईडी ये रही है, ठीक है। सिमिलर चीज़ गाइस अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि एक और नया वेलकम टू माई चैनल ये मैंने नया ऐड कर दिया, फिर से चेंजेस कर दिया। अगर गाइस अगर मैं यहाँ से गेट स्टेटस करूँगा तो फिर से दिखाएगा रेड कलर से ब्लिंक करके कि भाई साहब एक नई फाइल है जिसका नेम है org.js जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो इस बार इसको कमिट करने के लिए पहले तो इसको स्टेजिंग एरिया में लेकर के आना होगा, गेट ऐड के थ्रू इसको स्टेजिंग एरिया में लेकर के आएंगे, ठीक है। अब इसमें हिट करता हूँ तो ये आप गेट स्टेटस फिर से करेंगे तो ये ग्रीन कलर का हाईलाइट होगा, मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गया। अब जब ये स्टेजिंग एरिया में आ गए, स्टेजिंग एरिया में हमें पता चलता है कि कौन सी एक्चुअल में कमिट होने वाली है, तो जो हमें लेकर के जाना है स्टेजिंग एरिया में वही मैं पर्टिकुलर लेकर के जाऊँगा। ऑल अगर लेकर के जाना है तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा कैसे क्या करना। तो मैंने किया गेट ऐड, लेट से यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से कर लेता हूँ, सेकेंड टाइम दोबारा कर रहा हूँ चेंजेस इसके अंदर, राइट। तो इस तरह से मैंने कमेंट में कुछ मेंशन कर दिया एंड नाउ गाइस गिट कमिट हो गया। अब गाइस सर्वर पे अभी भी गया नहीं होगा क्योंकि सिर्फ अभी कमिट ही किया, लेकिन अभी गिट स्टेटस अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए और कोई भी ऐसी फाइल ट्रैक भी नहीं हो रही जो बताए कि यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो चेंजेस हुए तो उसको मैंने स्टेजिंग एरिया में लेकर के कमिट भी कर दिया, लेकिन सर्वर पे नहीं आई है, यहाँ पे रिमोट वाले रिपोजिटरी के अंदर नहीं आई है गिटहब के अंदर। वो एक्चुअली पहले जाती है लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर, जो कि मैंने बोला है कि हमेशा कमिट जो है लोकली पहले स्टोर करती है जो भी नए चेंजेस आपने किए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों करता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। तो गिट लॉग अगर करता हूँ तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस चीज़ को समझो, ये था फर्स्ट टाइम का कमिट जिसकी आईडी ये है, और ये था सेकेंड टाइम का कमिट जिसकी आईडी ये है, कमिट आईडी। अब इसलिए इसने लोकली किया है, लोकली करने के पीछे ये रीज़न है कि आप पहले जो भी चेंजेस कर रहे हैं अपने यहाँ पे लोकल मशीन पे, पहले उनको आप कमिट कर दीजिए तो वो पहले लोकली स्टोर होते रहेंगे, तो वो सारे यहाँ पे कमिट दिखते रहेंगे कि भाई ये पहला था फिर ये सेकेंड था, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी ये वाला मुझे नहीं चाहिए सिर्फ, या फिर इसमें दिक्कत आ गई तो मुझे सिर्फ इसमें वापस से बैक करना है, तो सर्वर पे अपलोड होकर फिर से बैक करोगे तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए गेट कमिट कहता है पहले लोकली आप सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद आप इसमें से डिसाइड करो कि सारा ही आपको वापस सर्वर पर अपलोड करना है कि कुछ ही अपलोड करना है, तो उसके हिसाब से देन आप एक फाइनल कमांड यूज़ करेंगे गिट पुश। जब ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फाइनली जो भी आपने चेंजेस किए हैं ये पूरा अपनी फाइल चली जाएगी आपकी कहाँ पे, रिमोट सर्वर, मतलब गिटहब पे अपलोड हो जाएगी गिटहब रिपोजिटरी पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले ये लोकली स्टोर करता है, जबकि अगर आपको पता होगा SVN जो SVN टूल है, जिस SVN टूल वर्जनिंग कंट्रोल टूल जो SVN है, जैसे सब वर्जन है, मर्क्यूरियल है, गिट है अपने आप में जिसके बारे में अभी डिस्कस ही कर रहे हैं गिट, इसी तरह से गिट की तरह एक SVN है, वो क्या करता है वो कमिट के जैसे कमिट करता है वो डायरेक्टली लेकर के जाता है, वो लोकली नहीं करता है, ठीक है, उसका ये है। लेकिन गिट इतना पावरफुल पहले लोकली करता है, कहते लोकली पहले आप सारे चेंजेस कर लीजिए फिर फाइनली आप डिसाइड करिए कि सारी ही चीज़ें पुश करनी है या फिर इसमें से आप आईडी के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप प्रीवियस वाले वर्जन पे आ सकते हैं, देन आप जो है पुश करिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ नहीं सारे ही चले जाए, ठीक है, जो भी मैंने कमिट किए। तो अगर मैं यहाँ पे अब गिट पुश कमांड यूज़ करता हूँ तो ये चला जाएगा कहाँ पे, सर्वर पे अपलोड हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो अगर अब आता हूँ गाइस अगर फिर से रिफ्रेश करूँ इस बार तो यहाँ पे देख सकते हो org.js फाइल आ चुकी है, और इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर दो लाइन्स आ चुकी हैं, सिंपल, ओके। तो नाउ मैं एक बात जो आपको समराइज करना चाहूँगा
मतलब जब भी आपको सर्वर पे अपलोड करना है नए चेंजेस के साथ, नए चेंजेस अप्लाई करने के बाद उसको जब वापस से रिमोट सर्वर पे अपलोड करना है, कोड को पुश करना है, तो उसके लिए पहले जो मेजर कमांड, ये तीन कमांड की मदद से एक्चुअल में आपका नया चेंज जो है रिमोट सर्वर पे अपलोड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। और गिट स्टेटस आपको मैंने समझाई दिया, और गिट लॉग के थ्रू आप जो भी कमिट किए हैं उसका पूरा लॉग आपको दिखा देता है। तो ये पांचों कमांड हमको समझ में आ गई, समराइज कर दिया मैंने ये पॉइंट्स। अब गई थी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मैंने चलो दिखाया था कॉमेंट मतलब वो। ओके नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि गाइस मान लो लेट से कि हमने क्या किया, एक फाइल और ऐड की, लेट से emp.js, हेलो माय एम्प्लॉय एम्प्लॉय समथिंग कुछ भी कर दे। तो ये मैंने एक नई फाइल ऐड की और वापस से मैंने क्या किया कि भाई साहब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है कंट्रोल एस। अभी गाइस कितनी फाइल में चेंजेस हुए, वापस इसमें भी चेंजेस कर दिए और इसमें भी चेंजेस कर दिए, ये तो नई फाइल ही अपने आप में पूरी ऐड गई। अगर गाइस फिर से अगर गिट स्टेटस देखूँ, ये वाली फाइल पुरानी फाइल थी जिसमें सिर्फ चेंजेस हुए, ये नई फाइल ऐड की गई फिर उसके अंदर कोड लिखा गया, तो इसलिए ये अनट्रैक्ड फाइल से, जो मतलब अनट्रैक्ड का मतलब पहले से, जो पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल कभी थी ही नहीं जिसको क्रिएट किया गया, राइट एकदम फ्रेश फाइल। अब गाइस अगर इनको आपको स्टेजिंग एरिया में लेकर के जाना, तो आप क्या करोगे, गिट दोनों को ही लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही आपने चेंजेस किए हैं। तो आप क्या करोगे, गिट ऐड, एक तो तरीका है कि आप ये कॉपी करो और उसके बाद पेस्ट करो, उसके बाद हिट करो, फिर ये स्टेजिंग एरिया में जाएगी, फिर दूसरे वाले टाइम पे इसको कॉपी करो, फिर इसको हिट करो, दो बार आपको ये कमांड एक्चुअली यूज़ करनी पड़ेंगी। ऐसे मान लो 100 हूँ, 100 फाइल्स के आपने चेंजेस किए हैं या 5 या 8 फाइल्स के अंदर, तो इंडिविजुअल आपको कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कॉपी करो, ये करो और ये करो और स्पेस करो, ये एक ही लाइन में मतलब एक ही हिट में ये दोनों ही स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे, ये दूसरा तरीका होगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप कुछ मत करो, सीधा डॉट यूज करो, ठीक है, एक बार में दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में जाएंगे। अगर गिट स्टेटस देखेंगे तो गैस यहाँ पर देख सकते हो, तो दोनों ही ग्रीन हो गई मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गई है। और नाउ गैस आप क्या करोगे, गिट कोड समथिंग ये मैंने किया, और ये गिट कमिट, ये जो ये गया हमारा लोकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर, और इसको मैं गिट पुश कर दूंगा। अभी गैस अगर पुश करने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके अंदर गैस देख सकते हो ORG ही है अभी भी, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस पुश कमांड को किया, और अभी भी देखो गैस तो इसके अंदर अभी देख सकते हो यही कोड है, डोंट वरी यही कोड है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया। अब गैस अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक लाइन यहाँ पे बचेगी पहली चीज़, और अगर वापस यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एक और फाइल आ गई mp.js। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।